केदारनाथ की मंदिर जैसा यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस नई वीडियो पर अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ कुर्सी पार गणेश पंडाल। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुर्सी पार में काफ़ी सुंदर से स्टेडियम ग्राउंड बना हुआ है, वहीं पर ही गणेश पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर बात करते हैं तो केदारनाथ जैसी पंडाल बनाई गई है, तो काफ़ी सुंदर से यहाँ पर पंडाल बनाई गई है। और न्यू लुक थोड़ा कैसे लग रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। पाल को पूरा बांध दिया हूँ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से है यहाँ पर, और मेला भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। देख सकते हो चारों तरफ बढ़िया लाइट लगाए गए हैं। ये है मेन गेट, गुपचुप वगैरह का दुकान लगा हुआ है सामने फ्रंट में। यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, पूरा पब्लिक आ रहे हैं अभी मेला देखने के लिए। बढ़िया, ये रहा मेन गेट, काफ़ी सुंदर से सजाए गए हैं, एकदम बढ़िया सा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये है एंट्री गेट, अभी फिलहाल एंट्री करते हैं। एंट्री है, बढ़िया ताला वाला लगा हुआ है। आई साइड पर इस बार यहाँ पर मेला नहीं लगा है, मेला लगी है तो वहाँ उस कॉर्नर पर। और ये थोड़ा कीचड़ है, तो देख सकते हो चारों तरफ बढ़िया झालर लाइट का से अच्छे से सजाए गए हैं। इस तरह से मोर का कुआं वगैरह भी लगा हुआ है, और यहाँ पर आकाश झूला लगी हुई है, बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए देख सकते हो। और ये रहा पंडाल, पास में जाके दिखाते हैं। कीचड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस वर्ष ये सब इंतजाम किए गए हैं, बीच में रास्ता बनाया बढ़िया सा। अगले वर्ष तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ था। मौत का कुआं का आवाज़ यहाँ तक आ रहा है, बाइक चल रही है जिसका। केदारनाथ की मंदिर जैसा यहाँ पर पंडाल बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया सा पंडाल बनाए गए हैं। चलो पास में चलते हैं और दिखाते हैं केदारनाथ की पंडाल, और मेला पहले घूमते हैं उसके बाद फिर पंडाल देखते हैं, गणेश जी के दर्शन करते हैं काफ़ी सुंदर सा। और भीड़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आए हुए हैं। झूला लगे हैं बच्चे लोग के लिए, यहाँ पर कूदने वाला भी लगा हुआ है, और यहाँ पर गुब्बारे की दुकान लगे हुए हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ आए हुए हैं, बढ़िया। सामने हमारे पंडाल है, अब फिलहाल मेला की ओर चलते हैं, थोड़ा देखेंगे। इधर से भी एक गेट बनी हुई है अंदर आने के लिए। यहाँ से शॉपें स्टार्ट हो जाती है, दुकानें यहाँ स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, इसलिए अभी फिलहाल पास में जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। आप देख सकते हो बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं यहाँ पर, बच्चे लोग के गेम्स का, और भी बहुत सारे खाने पीने भी दुकानें लगे हुए हैं। इस बार कुछ नया करने के लिए देखिए, बढ़िया पैर वैर यहाँ पर चलने के लिए बनाया, लेकिन यहाँ आई साइड में नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण से अभी शॉपिंग करने वाले लोग को दिक्कत भी होती है बहुत। इधर थोड़ा कम कीचड़ है, इधर चलते हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पर टैटूज की दुकान लगे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ पर फ़ोन कवर भी मिल जाएंगे आपको, ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर फ़ोन कवर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर चूड़िया का दुकान है इस तरीके से। कीचड़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई यहाँ पर। यहाँ पर है पापड़ की दुकान, मंचूरियन वगैरह, यहाँ पर खाने पीने का सामान है। समिति को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रोड बनाना चाहिए थोड़ा चलने फिरने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग छोटे छोटे। और अभी आकाश झूला भी चल रही है, सभी झूले अभी फिलहाल स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर बात करते हैं तो ड्रैगन ट्रेन है इस तरीके से, ये रहा ड्रैगन ट्रेन। यहाँ पर आपको ड्रैगन ट्रेन भी देखने को मिलेगा। और ये रहा आकाश झूला, काफ़ी सुंदर सा झूला, आकाश झूला बोलते इसको, बंद हो गई है आकाश झूला अभी फिलहाल। देखो आकाश झूला भी स्टार्ट हो रहा है, बट अभी फिलहाल लगे पूरे लोग को उतारेंगे, फिर उसके बाद चढ़ाते जाएंगे फिर स्टार्ट होगा। और ये भी झूला है, चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं झूले की तरफ। और यहाँ पर है आप देख सकते हो झूला, जिसको बोलते हैं ब्रेक डांस। फिलहाल ब्रेक डांस की ओर चलता हूँ, देखते हैं ब्रेक डांस। यहाँ पर कीचड़ की काफ़ी ज़्यादा समस्या है भाई साहब, 30 रुपये चार्जेस रहता है इसका, पूरा जाम है भाई। कीचड़ है हाइट साइड, इसलिए अभी फिलहाल पूरा रास्ता जाम में चलना पड़ रहा है। चलते हैं अभी फिलहाल झूले की, अच्छे से देखते हैं झूले। आसपास झूला
मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है इसलिए, और चढ़ने के लिए काफ़ी लोग एडवांस में वहाँ पर खड़े हुए देख सकते हो अंदर में ही, इतने पब्लिक खड़े हुए हैं अभी फिलहाल झूले झूलने के लिए एडवांस में, और भीड़ देख सकते हो आकाश झूला की ओर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, इसलिए आप वीडियो में ही देख लो आने के लिए, अभी फिलहाल बारिश के दिनों में आना मत सोचना गाइस। चलो चलते हैं अभी फिलहाल मूर्ति देखने के लिए। ये देख सकते हो ये है केदारनाथ पंडाल, देख सकते हो पंडाल के सामने कितने पब्लिक खड़े हुए हैं अभी फिलहाल, इसी को बोलते हैं भाई केदारनाथ पंडाल कुर्सी पार, और सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और गणेश जी के तो अंदर की ओर चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ यहाँ का सिनेमेटिक शॉट और पंडाल किस तरीके से है। बात करते हैं कि कॉर्नर में, तो कॉर्नर में यहाँ पर और शंकर जी के काफी सारे फोटो लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं चारों तरफ देख सकते हो, चारों तरफ ये लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया सा, और पंडाल की बात करें तो कई सारे झूमर लगे हैं और बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया गया है, कुछ इस तरीके से पंडाल है, इस तरीके से कुर्सी पार का गणेश पंडाल था, काफ़ी बढ़िया पंडाल बनी हुई थी। गाइस पंडाल के बाहर की भीड़ को देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए, काफ़ी सुंदर गणेश जी और पंडाल भी बहुत ही बढ़िया है, इस कारण से भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो चप्पल घूम रही है, मेरी कहाँ गई है फीलिंग नहीं रहा है, तो अभी फिलहाल इस तरीके से अभी फिलहाल लाइट वगैरह भी लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया रोड में देखो पब्लिक की पब्लिक नजर आएगी आपको चारों तरफ,